सो हाय गाइस, आपको तो पता ही होगा आज नवमी पूजा है। तो हमारा असुर घाटी में रामनवमी पूजा होता है। सुबह से मैं जा नहीं पाया कुछ पर्सनल काम के वजह से, तो अभी जा रहा हूँ। आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, जो जो भी सजावट हुआ है या तो पूजा तो शायद ख़त्म हुआ होगा। अभी शाम का टाइम है, यानी कि 2-3 बज रहा अभी। तो क्या सीन है वो सारे सब आपको बताने वाला हूँ, तो इस ब्लॉग में बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मैं बहुत टाइम निकाल के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो चलिए ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं असुर घाटी में क्या नज़ारा बना हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शायद ये लोग देख के यानी कि दर्शन करके निकाल चुके हैं, ज़्यादा कुछ तो ये नहीं है। रास्ते किनारे में ये कुछ दुकान लगा हुआ है, और जाएंगे गेट में एंट्री करते हैं और देखते हैं आगे क्या कैसे सजावट हुआ है। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी शाम का टाइम है, मैं शाम का टाइम में आया हूँ, यानी कि 3 बज रहा शायद। और सुबह सुबह शायद कुछ भीड़ हुआ था क्योंकि उसी समय पूजा में आए हुए थे लोग, और मैं तो उसी समय आ नहीं पाया पर्सनल काम की वजह से। और यह गेट शुरुआत होता है यहीं से, तो चलिए एंट्री करते हैं गेट में। शायद गेट में कुछ नहीं देते हैं वैसे, कि गेट वगैरह का नहीं है कुछ ठंडा। तो चलिए एंट्री करते हैं, यहाँ से गेट शुरुआत होता है। यहाँ पे और प्रसाद ही रखा हुआ, प्रसाद को छोड़ो पहले वीडियो बना लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ा काम भी है तो वीडियो ही पहले बना लेते हैं। ये सब कुछ सजावट हुआ है, मेहमान सब तो अभी तक पहुँचे नहीं है, पहुँचे हैं बोल के बोला गया है लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। लेकिन थोड़ा टेंट उंट का भी अच्छा से बनाया हुआ है, तो चलिए अंदर देखते हैं और क्या अंदर का सीन थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर, यानी कि अंदर जाते हैं, वाटरफॉल देखते हैं और कैसे है बोल के। शायद ही बोलेंगे कि सुबह यहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ था। जो रास्ते में मेरे को मिले वो फ्रेंड्स लोग बता रहे थे, पर अभी तो ऐसे कोई नहीं है यहाँ पे, दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये है असुर घाटी का कुछ नज़ारा, आप देख सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में, आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे पूजा होता है, जो झंडा लगा हुआ है, और यहाँ पे वाटरफॉल है, जो कि अभी पानी थोड़ा सूख गया है, अभी धूप का सीज़न है ना, अभी थोड़ा सूख गया है। और अगर आप बारिश का सीजन में आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मस्त दिखता भी है। और यहाँ का हिस्ट्री तो आपको बताया हूँ, और अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं और आगे भी यानी कि इस असुर घाटी के बारे में और हिस्ट्रिकल आपको बता दूंगा। बस शायद इतना ही है, असुर घाटी का नज़ारा तो बस इतना ही है, और भीड़ तो अभी नहीं है। क्या करें, सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिल पाया, पर आए हैं शाम के टाइम, लेकिन कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे। सब लोग पूजा कर चुके हैं, और ये जो झंडा दिख रहा उसी का नीचे में भी पूजा होता है, और एक ऊपर है आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे भी एक पूजा होता है। शायद वो झंडा आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा दिख रहा उसके ऊपर और एक झंडा है, वहाँ पर पूजा होता है। और हम लोग लौट गए हैं यहाँ पे, पूरा ख़त्म हो गया है, यानी कि पूरा घूम लिया हम लोग भी असुर घाटी। और यहाँ पे हनुमान जी लगा है, यानी कि हनुमान जी का स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बस इतना ही है, तो कुछ नहीं है असुर घाटी में। पूजा उजा अगर करना है तो नवमी पूजा में आ जाइएगा, पूजा भी कर लीजिएगा, बस इतना ही है, अभी निकल रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गाना तो सुनाई दे रहा ही होगा, स्वामी स्वामी पुष्पा का इतना फैन हो गया है ना, मतलब गाना सुन के हंसी आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।